जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन रेलवे ने 2 ट्रेनों को बेच दी है और इस ट्रेन को किसने खरीदा है और कितना में खरीदा गया है और यह ट्रेन किस रूट पर चलने वाली है, साथ ही क्या जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा है उसको अलग ट्रैक बनवाने पड़ेंगे या फिर रेलवे अपने ही ट्रैक पर उसको चलाने वाली है तो किस तर्ज पर चलाने वाली है और इस ट्रेन की कीमत कितनी लगी है और ये ट्रेन कहां पे बिकी हुई है, सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के इन बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सरिया और सीमेंट के क्षेत्र में प्रदेश के टॉप उद्यमी में सुमार चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने कच्चे माल की ढुलाई में असुविधा के बाद 2 प्राइवेट गुड्स ट्रेन खरीद ली है। इस मालगाड़ी से गैलेट सरिया सीमेंट के साथ कोयले आदि का परिवहन करेंगे। खरीद के साथ अग्रवाल उत्तर प्रदेश में प्राइवेट गुड्स ट्रेन खरीदने वाले पहले उद्यमी बन गए। ग्लेंट ग्रुप ने भारतीय रेलवे से 55 करोड़ रुपए में 2 प्राइवेट गुड्स ट्रेन खरीदी है, जिसमें से एक ट्रेन रेलवे से संचालन के लिए ग्लेंट को मिल भी गई है। दूसरी की डिलीवरी 3 माह बाद संभावित है। प्रबंध निर्देशक चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से फैक्ट्री में कच्चे माल को लाने के लिए रेलवे से गुड्स ट्रेन आसानी से नहीं मिल पा रही थी, जिससे उत्पाद प्रवाहित हो रहा था। रेलवे द्वारा 75% अधिक भाड़ा देने पर भी गुड ट्रेन प्राथमिकता पर देने का प्रावधान, अधिक रकम देने के बाद भी समय से मालगाड़ी नहीं मिल रही, पहले गुड ट्रेन की डिलीवरी प्राप्त कर रेलवे को संचालन हेतु हैंडओवर हो गई है, दूसरी ट्रेन नवंबर तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे की योजना के मुताबिक यदि इकाई अपनी गुड्स ट्रेन खरीद कर रेलवे को दे दे तो उसी फैक्ट्री का माल ढोया जाएगा, भाड़े में 10% की छूट दी जाए। प्रबंध निदेशक ने बताया कि अपनी गुड्स ट्रेन रेलवे द्वारा संचालित कराए जाने से भाड़ा में भी बचत होती और कच्चा माल आयरन और कोयला समय से फैक्ट्री पहुँच जाता है। दोस्तों ये ट्रेन गोरखपुर के टॉप उद्यमी ने इस 2 मालगाड़ी को खरीद लिया है, इसलिए खरीदा है कि उन्हें अपने कच्चा माल समय पर फैक्ट्री में नहीं पहुंच पा रहा था, जिनसे उनको उत्पादन करने में उनको काफी ज्यादा परेशानियां आती थी, जिससे उनको समय पर माल फैक्ट्री में नहीं आने के कारण उन्होंने माल गाड़ी को ही खरीद लिया है, जिससे उनको समय पर माल पहुंच जाए। इसलिए कि इंडियन रेलवे कोई आदमी माल गाड़ी को खरीद लेता तो इससे फायदा क्या होता है कि उसके भाड़े में 10% की लमसम इंडियन रेलवे कटौती भी करती है, यानी कि भाड़ा भी कम लगता है और साथ ही आपको जब जब समय पर आपको माल ढुलाई के लिए आवश्यकता पड़ेगी मालगाड़ी, तब आपको टाइम पर मालगाड़ी उपलब्ध इंडियन रेलवे कराती है, साथ ही उसी ट्रैक पर इंडियन रेलवे अपने ही ट्रैक पर चलाती है, लेकिन खरीदे हुए व्यक्ति की हर मांगों को इंडियन रेलवे जल्दबाजी में पूरा करती, चाहे वो सीमेंट ढुलाई हुआ या फिर कोयले की आयात, इसमें फैक्ट्री में किसी भी प्रकार की सामान की कमी ना हो इसके लिए इंडियन रेलवे हमेशा उस व्यक्ति के ऑर्डर पर ध्यान देती है। जब भी ऑर्डर आता है उसे तुरंत गुड ट्रेन उपलब्ध कराया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी बताया है वो बात सही है, सचमुच का ये माल 2 मालगाड़ी इंडियन रेलवे ने बेच दी है और ये सेल गोरखपुर में हुआ है, इसलिए कि वहीं के एक टॉप व्यापारी ने इन 2 मालगाड़ी को खरीद लिया। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।